का टीम वर्क कल रहा है और शानदार प्रदर्शन रहा है और यही नतीजा रहा कि शानदार जबरदस्त जीत हुई खिलाड़ियों की कल भारतीय टीम की। दिल्ली आदित्य के पास मैं जाती हूँ। आदित्य, जानकारी क्या मिल रही है? चूंकि आज रिजर्व डे भी रखा गया था 30 जून, कल ये मैच हुआ, अच्छी बात यह कि बारिश नहीं हुई और ये पूरा खिताब भारतीय खिलाड़ियों के नाम हो गया। वापस कब लौटेगी टीम इंडिया? क्या दिल्ली सभी एक साथ एक खिलाड़ी आएंगे? चूंकि जब इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर आएंगे खिलाड़ी तो जाहिर है उनका वेलकम भी उतना ही ग्रैंड होगा, उसी तरह से होगा। जानकारी क्या मिल रही है? क्या दिल्ली आएंगे सभी खिलाड़ी एक साथ या फिर मुंबई जाएंगे, कहीं और जाएंगे? जी, जो जानकारी शुरुआती दौर में जो मिल रही है वो ये है कि सारे खिलाड़ी जो हैं, क्योंकि सब जीत के जश्न में मग्न है, तो हो सकता है सभी खिलाड़ी एक साथ ही दिल्ली आएंगे और अभी हो सकता है कुछ वहाँ पे डेलीगेशन जो हैं या भारतीय जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो भी उनसे मिल सकते हैं या वहाँ पे लोगों के मिलने की सूचना ऐसी आ रही है, लेकिन बाद में देखा जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पे स्थिति रहने वाली है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं क्योंकि मैं भी जहाँ मौजूद हूँ, ये जगह है सहाद्रा का और ये बहुत ही पॉश इलाका है और लोग जो यहाँ पर बहुत ही क्रिकेट प्रेमी माने जाते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास भाई, कल मैच जो भारत जैसे जीता है तो क्या लग रहा है कि टर्निंग पॉइंट क्या क्या रहा? कुछ ऐसा लग रहा है कि साथ निकल जाता? नहीं निकलता, विश्वास था आपको? क्या था विश्वास? मैच पूरा सूर्य कुमार यादव था, तो सूर्य कुमार यादव का जो रहा है जिस तरह से कैच उनका रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और भी कुछ लोग हैं, उन सबसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से। क्या नाम है आपका? बाबर। तो बाबर भाई, कल का जो मैच रहा उस बारे में क्या लग रहा है, क्या कैसा था, क्या मैच? बहुत बढ़िया मैच था, बहुत बढ़िया मैच था। रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई और उनका जो T20 का करियर का जो एंड हुआ, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। इससे बेहतर कुछ नहीं था। पूरी टीम का एफर्ट था, हर बंदे ने अपना रोल निभाया, चाहे वो सूर्य कुमार यादव का कैच हो, हार्दिक पांडे की बॉलिंग हो, बुमराह की बॉलिंग हो, तो हर बंदा टोटली हो रहा, पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन था उसमें। कभी ऐसा समय आया कि जिसमें लगा हो कि हम बस निकल गए? एक टाइम पे लग रहा था, 29 बॉल पे 29 रन चाहिए थे, बॉल कम हो गई थी, रन कम हो गए थे, बॉल ज्यादा थे, टाइम पे लग रहा था, बट एक उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा, डर जरूर लग रहा था पर उम्मीद थी। आपसे जाने कैसे खुशियां कैसे मनाई आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, बम फोड़ के मनाई रात में, इतने देर तक जगे थे क्योंकि देर रात मैच खत्म हुआ, 12 बजे करीब तो जीते दिए इंडिया, उसके बाद आधा पौन घंटा और जगे, खुशियां मनाई, बढ़िया। तो ये आप सुन रहे थे कि जिस तरीके से साफ लोगों का कहना है कि रात भर लोग जगे रहे क्योंकि खुशियां मनानी थी। और भी कुछ लोग हैं, ये एक बिरयानी की दुकान है, बहुत मशहूर है सहाद्रा में और काफी लोगों का आना जाना होता है, सबसे पहले शॉप ऑनर से बात करते हैं। चलिए ठीक है आदित्य, लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, लखनऊ का भी रुख करना जरूरी है क्योंकि वहां से भी हमने कई तस्वीरें देखी, लोगों ने किस तरह से जश्न मनाया। रवि मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। रवि, आपके साथ भी शायद कुछ लोग मौजूद हैं, बातचीत कीजिए। देश भर में खुशी है, उत्सव है, आज संडे है, कल वीकेंड लोगों ने एंजॉय किया मैच देखकर और आज जश्न मना रहे हैं कि अभी तक भी वहां पर लोग? जी बिल्कुल, लखनऊ के लोगों ने देर रात तक जश्न मनाया है और सुबह तक वो जश्न है वो देखने को मिला है। और आज की बात करें, संडे का दिन, लेकिन संडे के दिन भी बाद भी लोग घरों से बाहर निकले हैं और मैच की चर्चा हो रही है। इस समय हम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद है और इस पर तमाम सारे लोग हैं जो चेहरे पर मुस्कान लिए हुए, वर्ल्ड कप की जीत की है मुस्कान है। कैसा लगता है, ये जीत कितनी बड़ी है? अरे भाई साहब, बहुत बड़ी है, भारत इतना बड़ा, इतनी बड़ी कामयाबी लेके आया है, मतलब एक तरह से कहते हैं अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सब खिलाड़ियों को और जो उनके पीछे हैं सेलेक्टर्स, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगे, एक अच्छी जीत थी जिसका लोगों को इंतजार था? हाँ बिल्कुल, इंडिया तो भाई देखिए चैंपियन हो ही गया और है, इंडिया इज अ विनिंग टीम और इसके जो विन विन है वाकई काबिल तारीफ है, मुबारक सबको। और एक एक कैच किस तरीके से लिया गया और उसके बाद जैसे परिस्थितियां बनती गई और हम जीत के ही माने तो मजा आ गया। पूरे लखनऊ में जोश है, पूरी रात जश्न मना है, रात भर जगे, हाँ रात भर जगे और देर से सो के अब आए चाय पीने। जी बताइए क्या कहेंगे मैच की? 19 नवंबर के बाद तो मुझे लग रहा था कि मैं क्रिकेट खेलना देखना छोड़ दूंगा, बट लास्ट में ये वाला मैच जिसमें इंडिया लगातार जीत रही थी और ऊपर से एक टैग लगा था जनरेशनल चोकर्स और विकेट चोकर्स का, सो आई थिंक इंडिया ने लास्ट टाइम पे ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस दी। बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी हुई है, बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की थी, अर्शदीप एंड दे ऑल टेक विकेट एट द मेन टाइम, और कार्लसन का विकेट जो कि एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टाइम था, और लास्ट में सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लिया था, आई थिंक दैट वाज द मेन टर्निंग पॉइंट, तो उसके बाद दे डिड वेरी वेल, सो
कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया। और एक थोड़ा सा दुख भी लगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, बट आफ्टर ऑल हमारी देश की टीम जीती है तो हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है एंड आगे चाहेंगे कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो और अच्छा परफॉर्म करें। क्या कहेंगे इस जीत को? लगभग दो दशकों तक के हम लोगों ने इंतजार किया है क्योंकि 17 साल पहले T20 वर्ल्ड कप जीती और कई बार फाइनल में तो पहुंचे लेकिन वर्ल्ड कप नहीं ला पा रहे थे। तो जो पिछले बार का जो वर्ल्ड कप हम लोग नहीं जीता है 50 ओवर्स वाला, उसकी जो डीज थी वो अब जाकर कहीं मिटी है और परिश्रम तो करते ही, हमारी पूरी टीम इंडिया ने बहुत परिश्रम किया है और हमारे जो कोच हैं टीम इंडिया के राहुल द्रविड़ जी, वो जो कि मिस्टर वॉल कहे जाते थे, ये सारा श्रेय मुझे लगता है उनका है और कहीं ना कहीं बिल्कुल राहुल द्रविड़ की रणनीति और उनकी जो पूरी योगदान जिस तरह से रहा है, लीड किया गया जिस तरह से, जो सभी खिलाड़ी थे उन्हें वक्त वक्त पर एक्सपीरियंस के साथ आगे अपने तजुर्बे से उन्होंने आगे बढ़ाया, ये भी मनोज जी काबिले तारीफ है। राहुल द्रविड़ का भी बतौर कोच सफर समाप्त हुआ इसी T20 विश्व कप के साथ, लेकिन और भी कई सारी बातें हैं जिस पर चर्चा शायद नहीं हुई, लेकिन अब हम कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच जो टसल चल रही थी पिछले कुछ दिनों, मुंबई इंडियन का जब कप्तान रोहित शर्मा को हटाकर पांड्या को बना दिया गया था और पांड्या की तरफ से खुलकर बातचीत भी की गई इस पूरे मैच के बाद, दिल खोलकर उन्होंने कई बड़ी बातें कही, कहा भी और वो बात हार्दिक पांड्या तक भी पहुंची कि चीजें जो है देखते ही देखते बहुत अनफेयर हो गई और हार्दिक पांड्या ने कहा कि हम अगले 6 महीने तक इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और जो हार्दिक का परफॉर्मेंस था, जो उन्होंने टर्निंग पॉइंट जुटाया इस मैच में और 3 विकेट उन्होंने चटकाए, बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो, इस पूरे टूर्नामेंट में उनका बहुत सराहनीय प्रदर्शन, एक ऑलराउंड खेल उनका देखने को मिला। और उसके बाद रोहित शर्मा आते हैं, उनको किस करते हैं और किस करके गले लगाते हैं, ये लम्हा बहुत यादगार था क्योंकि यही जो IPL हुआ था मुंबई इंडियंस की तरफ से, दोनों के बीच में बोलचाल भी करीब करीब बंद हो गई थी और जब जहां हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस करते थे वहां पर रोहित शर्मा प्रैक्टिस नहीं करते थे, ये मैदान के दूसरे कोने पर प्रैक्टिस करते थे, इस तरह की भी खबरें आई थी। तो इस तरह से क्रिकेट ने आपस में एक दूसरे को के संबंधों में भी सुधार किया। जो रिचर्ड कैटलब्रो जो बहुत अनलक्की माने जाते थे अंपायर, वो कब अनलक्की से लक्की हो गए, कब दूरियां खत्म हो गई, ये क्रिकेट में ही संभव है। जी बिल्कुल, तो देखिए ये भी अच्छी बात रही मनोज जी कि वो कम से कम खेल के मैदान में नजर नहीं आया। रोहित शर्मा जिस तरह से पूरी टीम को साथ लेकर चले, विराट कोहली ने जिस तरह से साबित कर दिया एक बार फिर से कि वाकई में विराट हैं वो, चूंकि डिसअपॉइंटमेंट थी कुछ उनके फैंस में इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनके परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन आखिरी में जब वाकई में जरूरत थी तो विराट कोहली ने दिखा दिया अपना वो परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल, मैच्योरिटी दिखाई उन्होंने अब इस पारी में और खासकर ये देखते हुए कि पावर प्ले में जो 3 विकेट जल्दी जल्दी आउट हुए, रोहित शर्मा का विकेट, पंत का विकेट, सूर्य कुमार यादव का विकेट, कोई और टीम होती तो बुरी तरह से पस्त हो गई होती, लेकिन उन्होंने एक कोना, एक सिरा जो है पूरी तरह से संभाल के रखा और अक्षर पटेल ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। जो मिड विकेट के ऊपर से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने छक्के लगाए वो काबिले तारीफ थे, बीच बीच में वो उनकी हौसला अफजाई करते रहे और आखिर में उन्होंने जो चौथे ओवर में, देखिए कमिटमेंट क्या होता है, चौथे ओवर में उन्होंने एक चौका लगाया था जो आखिरी चौका था उनका और उसके बाद लंबे समय के बाद 18वें ओवर में जाकर उन्होंने अगली बाउंड्री लगाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम के प्रति कितनी समर्पण भावना, कितनी अपने आप पर भावनाओं पर नियंत्रण रखना और जिसकी वजह से भारत जो है T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो गया फाइनल का। और उसके बाद भी ये स्कोर भी काफी नहीं था क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से 10 से 15 रन और बनने चाहिए थे, हार्दिक पांड्या को अपनी बल्लेबाजी करने का उतना मौका नहीं मिला, लेकिन विराट कोहली हैं और बहुत सुलझी हुई उनकी पारी देखने को मिली। जी बिल्कुल, और प्रदर्शन सभी खिलाड़ियों का बेहतरीन रहा है अगर कल के मैच की हम बात करें, लेकिन प्रथमेश पहले से हालांकि ये माना जा रहा था कि संन्यास का ऐलान हो सकता है विराट कोहली और रोहित शर्मा की ओर से T20 इंटरनेशनल से, लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेड था फैंस को कि कल इस खास मौके पर ही दोनों खिलाड़ी एक साथ ये बड़ा ऐलान कर देंगे? जी बिल्कुल, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है T20 जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वहाँ से जो संन्यास ले सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी ने भी ना विराट कोहली ने पहले से ये कहा गया था कि वो संन्यास लेने वाले हैं वर्ल्ड कप में ही जो आखिरी मैच होगी, उन्होंने बाकायदा जब लास्ट में जब इंटरव्यू होता है उन्होंने बाकायदा वो कहा भी कि अगर ये मैच में हारता भी या जीते भी हम लोग तभी मैं ये संन्यास जो है वो आज लेने वाला था,
कहीं ना कहीं ऐसी जो सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं एक प्रिडिक्शन कर सकते थे कि कहीं ना कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है संन्यास ले सकते हैं T20 क्रिकेट से। हमारे साथ कुछ यहाँ लोग हैं, हम भी उनसे बात करेंगे। सर, आपको किस तरीके से लगता है कि विराट कोहली ने जिस तरह संन्यास लिया, क्या ये जल्दबाजी का फैसला है फिर, और उन्हें थोड़ा खेलना चाहिए था सामने? नहीं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो बाहर बैठे थे प्लेयर्स, रिंकू सिंह, तो उन जैसे प्लेयर्स को मौका देने के लिए विराट कोहली ने संन्यास लिया है। और वैसे भी अब वर्ल्ड कप 2 साल बाद होने वाला है, तब तक विराट कोहली की 38 हो जाती, तो ये बिल्कुल पीक टाइम था। उसने बिल्कुल मैन ऑफ द मैच बनाया, पूरे टूर्नामेंट वो चला नहीं, ठीक है। रोहित शर्मा ने बोला था, ही इज अ बिग प्लेयर एंड ही इज सेविंग फॉर द फाइनल्स, तो बड़े मैच का प्लेयर है। बिल्कुल, और रोहित शर्मा की तरफ से मैच खत्म होने के बाद काफी तारीफ भी की गई विराट कोहली की। प्रथमेश, आदित्य, मोहम्मद रजाउल्ला, आपका शुक्रिया। रवि, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मनोज जी भी आगे हमारे साथ बने रहेंगे, और आगे भी चर्चा हम जारी रखेंगे। जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कल रहा है हमारे खिलाड़ियों का, और देश भर में किस तरह से मनाया जा रहा है अभी भी इस बड़ी जीत का बड़ा जश्न, कुछ और तस्वीरें होंगी आपके सामने आगे। फिलहाल एक ब्रेक।